यादव न्यूज की ब्रेकिंग खबर। सागर कोतवाली पुलिस ने सागर क्षेत्र के अलग अलग स्थान से दबिश देकर बड़ी मात्रा में पकड़ी अवैध शराब। दो महिला सहित 5 आरोपी को 14 पेटी शराब के साथ किया गिरफ्तार। मामले में 2 आरोपी फरार। शराब के खिलाफ कार्रवाई कहाँ कहाँ से हुई, कितनी मात्रा में शराब? ये काफ़ी समय सूचना मिल रही थी कि मक्खन केसरवानी और अंजुल केसरवानी ये अवैध रूप से दारू बेच रहे हैं। पहले ही पकड़े गए हैं, पुनः दारू के धंधे में लिप्त हो गए। तो मुखबिरी सूचना पर आज हमने दबिश दी थी भीतरी बाजार में, जहाँ मक्खन केसरवानी के घर पर दारू मिली है। उसकी पत्नी और वो दोनों ही दारू बेचते थे, जिसमें हमने 7 पेटी जब्त की है। मक्खन केसरवानी भाग गया, उसको हमने फरार घोषित किया और उसकी पत्नी को इसमें गिरफ्तार किया। इसके अलावा और कहाँ कहाँ से मिली थी शराबे में सूचना मिल रही थी? अंशुल केसरवानी, वो भी वो अपनी भाभी के साथ शराब बेचता है, उसके यहाँ भी पुलिस टीम ने दबिश दी थी, जिसमें हमें 7 पेटी और कुछ लूज शराब वहाँ से मिली है, जिसमें उसकी भाभी जो है रानी सोनी, उसको हमने गिरफ्तार किया है और अंशुल सोनी फरार है। मोगा मैदान से भी कुछ शराब जब्त की? हाँ, मोगा मैदान से 3 लोग को हमने गिरफ्तार किया है शराब बेचते हुए। उस टाइम से हमने 5 लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की है, गिरफ्तार किया 5 लोगों को और 2 इसमें फरार हैं। कुल कितनी पेटी जब्त हुई? 14 पेटी तो पैन है, बाकी कुछ लूज शराब है, इंग्लिश और देसी दोनों टाइप की शराब। किस धारा के तहत कार्रवाई? 34(2) के तहत।